Good morning, everyone. I am Praveen once again in Daily Dose of Chamlikar's Let's Talk. तो आज का हम Daily Dose स्टार्ट करते हैं. आज एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है. I want to share a very motivational story with you people. So what happens? Once there was a small boy, might be around 8 to 9 years old. He went to a cafe, and it was evening time and quite. इट वॉज वेरी क्राउडी बिकॉज ऑफ द संडे. संडे इवनिंग का टाइम था. उस कैफे पर बहुत भीड़ भाड़ थी. द बॉय जस्ट वेंट देयर एंड ही सैट ऑन अ टेबल एंड ही आस्क्ड द वेट्रेस. वेट्रेस केम एंड शी आस्क्ड. वेट्रेस ने उसको आकर पूछा, व्हाट डू यू वॉन्ट? द बॉय टोल्ड दैट आई वॉन्ट टू हैव एन आइसक्रीम. द वेट्रेस टोल्ड, ओके, सी द मेन्यू, व्हाट डू यू वॉन्ट? द बॉय वॉज लुकिंग एट फॉर अ लॉन्गर टाइम. लड़का उसको एक लंबे समय तक के लिए देखता रहा. कुछ समय देखने के बाद उस लड़के ने कहा, आई वॉन्ट टू गो विद द प्लेन आइसक्रीम. द वेट्रेस जस्ट लुक्ड एट हिम. वेट्रेस ने उसकी ओर देखा और कहा, वाई डोंट यू टेक दिस बटर स्कॉच ऑफ 15 रुपीज? आप बटर स्कॉच क्यों नहीं लेते हो 15 का? द बॉय टोल्ड, नो, आई हैव सम रीजंस. नहीं, मुझे 10 रुपए वाली आइसक्रीम पसंद है. द वेट्रेस केम और एंड शी सर्व्ड दैट आइसक्रीम. उसने आगे उस टेबल पर वो आइसक्रीम रखी. जब उस लड़के ने वो आइसक्रीम खाकर गया, वेट्रेस को अंदर से थोड़ा इरिटेशन भी हुआ दैट 10 रुपए की आइसक्रीम के लिए द बॉय इज थिंकिंग टू मच. वो लड़का इतना ज्यादा सोच रहा है. देन जब वो वहां पर गया तो वेट्रेस को थोड़ा इरिटेशन भी हुआ. शी वेंट देयर टू वाइप दैट टेबल. जब उस टेबल को वाइप आउट कर रही थी, पोछ रही थी, सो टिश्यू पेपर के नीचे उसको टिप मिली एज अ 5 रुपीज. सो देयर वर टीयर्स इन वेट्रेस आईज. शी कुड अंडरस्टैंड दैट रियली द बॉय सैक्रिफाइड अ लॉट टू टेक दिस प्लेन एंड बटर स्कॉच. आई होप एवरीबडी कुड गॉट व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी. द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज वेरी सिंपल. देन ऑलवेज रिमेंबर दैट समटाइम आर लिटिल सैक्रीफाई, हमारा थोड़ा सा त्याग बहुत कुछ किसी की हेल्प कर सकता है. वो लड़का चाहता तो 15 रुपए की आराम से बटर स्कॉच ले सकता था, लेकिन उसे नहीं लिया. सो अ टिप ऑफ द डे इज वेरी सिंपल. ऑलवेज रिमेंबर, इफ योर पॉकेट्स आर लार्ज देन योर हार्ट शुड बी लार्ज. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन, पीपल दोज हु आर हैविंग बिग पॉकेट्स, देयर हार्ट्स आर वेरी स्मॉल. डू हेल्प समवन, एल्ट्रुइस्ट ना बन पाओ तो कम से कम इतनी जरूर कोशिश करें कि जो जरूरतमंद है उन जरूरतमंद को अपने हिस्से का थोड़ा सा परसेंटेज दें. व्हाइल यू आर गोइंग टू रेस्टोरेंट, टिप द वेटर और वेटरेस. व्हाइल यू आर गोइंग टू टेम्पल्स, मॉस्क और गुरुद्वारा, सी द पीपल दोज हु आर नीडी. आपके खाना जो घर पे बचा हुआ है, पड़ा हुआ है, थोड़ा सा उसको दें. डू सम नेकी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. खाना हम फेंक देते हैं, इससे अच्छा हम किसी जरूरतमंद को दो, एनिमल्स को दो. और अब ये गर्मियां पड़ रही हैं तो जरूर आप कुछ करें, राइट? अपने टेरेस पर पानी का एक बाउल रखें और कुछ दाने रखें, चिड़ियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा. यदि आपके घर के बाहर थोड़ी जगह है तो कोई होदी है, कोई टैंक है, तो उसे पानी भरकर रख दें तो जो एनिमल्स हैं वो बेचारे बोल नहीं पाते हैं, लेकिन इस गर्मी में वो भी झुलस जाते हैं. सो डू समथिंग फॉर अदर्स. Okay, that's all about the dose. I hope that we are enjoying the daily dose and we are learning. We are getting very good feedback. So you also give your feedback in comment box. So goodbye, everyone.